有人。棒。棒。दोस्तों 800 करोड़ की इस दुनिया में रोजाना एक से बढ़कर एक नमूने निकल कर आते रहते हैं, जो अपनी उल जलूल हरकतों से ना सिर्फ लोगों को हैरान करते हैं बल्कि हंसाते भी हैं। तो यार आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अतरंगी लोगों को लेकर हाजिर हैं, जिन्हें इंटरनेट पर आजकल पापा की परियां और माँ के मगरमच्छों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी कारनामे इतनी फनी होती है कि आप अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो यार देर किस बात की, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है पापा की परी पार्ट 13। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब यार डांस का जुनून आजकल सिर्फ परियों में ही नहीं बल्कि आम लोगों में भी खूब सवार है, इसीलिए तो ये लुंगी वाले चाचा नाच रहे इन परियों के पीछे ही झूम झूम कर नाचने लगे। वाह चचा वाह, आपने तो इन परियों के रील में चार चांद ही लगा दिया। अब भाई मिलिए इस मंगरू लाल से, जो दोस्तों के बीच पहुँचे जब होली खेलने, तो भैया इनके दोस्तों ने मिलकर इनको ऐसा रंग लगाया जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसके कारण ये बेचारा अब अपने घर जा ही नहीं पा रहा। ओए 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 मंगरू, अबे होली खत्म हो गई, घर जा नहा जाके, क्यों यहाँ पे खड़ा है? साले मैंने तेरे से बोला था पक्का कलर मत लगा। क्या हुआ? मैं घर जा रहा हूँ, मेरे पापा ही नहीं पहचान रहे। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं देखो बेटा होली का माहौल है, अपने अपने घर जाओ। मैंने कहा पापा ये मेरे घर है। कह रहे हैं कि देखो बेटा होली में थोड़ी बहुत हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपना घर ही भूल जाओ। मिली एक और परी से, जो अपने बर्तन को साफ करने के लिए कोई साबुन वगैरह नहीं बल्कि डायरेक्ट फेयर लवली का इस्तेमाल कर रही है। आइए देखते हैं मजा आएगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। मतलब यार देख रहे हो परियों का टैलेंट, जितना का इनका बर्तन नहीं है उससे ज्यादा का ये फेयर लवली लगा डाली। अब भाई एक बार आप जरा हमारे देश के इन भविष्य पर भी नजर डाल लीजिए कि कैसे यहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त की पब्लिक मीडिया में ही पोल खोलने में तुला हुआ है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप लोगों की वाइट ड्रेस है, मतलब सरकारी स्कूल के ही आप सब? हाँ हम सब सरकारी स्कूल के ही। भाई बंदी तो प्राइवेट थी पता ही है इतने। क्या बोला तूने? भाई बंदी तो प्राइवेट थी पता ही है इतने। वाह बेटे वाह, तुम तो मौज कर दिए। अब यार मिले इन नायाब परियों से, जो सड़क किनारे ही कैमरा को स्टैंड करके जब ग्रुप में आकर रील बना रही थी कि भैया तभी अचानक एक डॉग आया और इनके किए कराए पर पानी फेर कर निकल लिया। नो 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 नो। भाई साहब इन परियों का रील कितना चलता ये तो पता नहीं, पर हाँ डॉग की इस हरकत ने इनको वायरल ही कर दिया। दोस्तों वीडियो मजेदार लग रही हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है? और हाँ साथ ही हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप इस वक्त किस गांव, किस शहर या किस देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि भाई हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। अब यार ये तो आपने अक्सर सुना ही होगा कि शादी के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ही चाहिए, दहेज वो मुँह मांगे दे देंगे, पर भैया एक बार आप जरा इस महाशय को भी देखो जो सरकारी नौकरी वाली बहू के लिए दहेज देने का ऐलान करते फिर रहे हैं। नो 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 नो। अब भाई मिलिए इस मोहतरमा से, जो गुड्डू भैया की दुकान पर पहुंची जब सामान लेने, तो इन्होंने गुड्डू भैया के सवाल का कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। ये लो भैया ये सारा सामान बांध दो। छोटू मैडम को बांध दे। क्या क्या बात, क्या बात करता है यार? मैडम का सामान बांध दे। अब आए ना लाइन पे। वैसे भाभी जी बड़े फ्रेश दिख रहे हो, क्या बात है भाई साहब आ रहे हैं क्यों दुबई से वापस? हाँ पिंकू के पापा ना पूरे 3 साल बाद आ रहे हैं मुझसे मिलने। तो क्या नाचो मैं? 3 साल बाद? हाँ। तो पिंकू काफी बड़ा हो गया होगा। अरे नहीं नहीं सिर्फ 6 महीने का तो हुआ है अभी।
लगता है कोई और बेल आइकन दबा गया। मतलब यार मोहतरमा का गुड़ा गणित तो अलग ही लेवल का है। अब भाई मिले इस डेढ़ साने बंदे से, जिसका दोस्त जब बार बार बोल रहा था कुछ खिलवाने को तो ये हर बार ना सुनने का नाटक कर रहा था, पर लास्ट में जो हुआ उसे देख आप भी हंस पड़ेंगे। भाई भूख लग रही है यार, कुछ खिलवा दो। भाई भूख लग रही है, कुछ खिलवा दो यार। क्या भाई सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खिलवा दो यार। आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ स्कूटी साइड में लगाओ, मैं खिलवा देता हूँ तुम्हें। अभी लगा रहा हूँ। अब भाई मिली इस तेजस्वी परी से, जो मॉल में पहुंची जब शॉपिंग करने, तो शॉपिंग के बाद पता नहीं ये किस दुनिया में खो गई कि ये बाहर निकलने का रास्ता ही भूल गई। जिसके बाद इनके साथ क्या हुआ आप खुद ही देखिए। अब यार आजकल के लोग जब किसी भी इवेंट में जाते हैं तो अपना फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करना नहीं बोलते। हालांकि शादी हो या पार्टी, वहां तक तो बात समझ में आती है, पर भैया यहां पर इस पोपट ने तो हद ही पार कर दिया। भाई मिली इस मोहतरमा से, जिनके पति ने जब गलती से ये बोल दिया कि आज घर की सफाई अच्छे से करना, तो बस फिर क्या, परी ने साबुन और पानी लेकर पूरे घर की ऐसी सफाई की जिसे देख पति के होश ही उड़ गए। अरे बेटी पुष्पा, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अब भाई मिले इस साइंटिस्ट से, जो पहली बार पहुंचे जब चांद पर, तो इन्होंने उस पल को यादगार बनाने के लिए अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। पर भैया तभी अचानक पता नहीं कहां से एक ऑटो वाला आया और इनका काम खराब करके निकल लिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो हाँ यार, कैसी लगी ये वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, यदि आप गेमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे गेमिंग चैनल फैक्जो गेमिंग को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जहाँ हम जल्दी माइनक्राफ्ट, जीटीए और स्काईलाइन सिटी जैसे गेम सीरीज शुरू करने वाले। तो भाई जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यार आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।